नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आप सभी दर्शकों का स्वागत, मैं हूं आपके साथ निधि वासनदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए बात हो रही है मुख्तार अंसारी की और आज होना है अंतिम संस्कार। तो लगातार हम आपको अहमदाबाद की एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर आ चुका है और मुख्तार का शव जैसे ही गाजीपुर पहुंचा समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और मुख्तार के घर पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। इस वक्त आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया जाना है, सुपुर्द-ए-खाक किया जाना है। अंतिम संस्कार को लेकर गाजीपुर में बेहद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, किसी भी तरह की स्थिति पैदा ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और आइए बड़ी खबर बता दें, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हंगामा हुआ है। सुपुर्द-ए-खाक से पहले घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ, मुख्तार समर्थकों ने नारेबाजी की है। घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जनाजे की तैयारी थी। समर्थकों का हंगामा भी देखने को इस वक्त मिल रहा है और पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मोहम्मदाबाद जो कि पैतृक आवास है, वहां पर शव रखा गया है और उसके बाद बताया जा रहा है जनाजे के बाद सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी हंगामा हो गया है। देखिए यहाँ पर पीछे आप देखिए, मीडिया वालों के साथ भी हाथापाई और यहाँ पर अटैक की स्थिति, यहाँ पर मीडिया भगाओ के नारे यहाँ पर, और देखिए कैसे कैमरों के साथ हाथापाई और यहाँ पर देखिए मारपीट की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। अब नाराजगी की वजह क्या है, सबसे पहले तो ये नाराज इसलिए हुए कि प्रशासन ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, मना कर दिया। हालांकि मीडिया लगातार इस बात को कह रहा था कि प्रशासन क्यों इन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ पर जिंदाबाद ही नहीं बल्कि मुर्दाबाद के भी यहाँ पर नारे और गुस्सा इनका मीडिया के खिलाफ ही। और ये जिस तरीके से तो देखिए यहाँ पर ये चलाया जा रहा है और यहाँ पर ये नौबत आ गई है और सामने देखिए पुलिस वाले सब तमाशा ही बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या यहाँ पर स्थिति, अब पुलिस वालों के साथ यहाँ पे धक्का मुक्की। हालांकि क्यों आक्रोशित हैं ये पता नहीं है, लेकिन देखिए कैसे दौड़ाने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। मारपीट की नौबत यहाँ पर, कुछ मीडिया वालों पे हमला कर दिया, उसके बाद से पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक ने भी कहा कि लोग सब्र रखें, लेकिन यहाँ पर लोग बेसब्र और यहाँ पर अटैक, मीडिया के ऊपर अटैक, मीडिया के कई कैमरों के साथ हाथापाई और उसके बाद से यहाँ पर देखिए पुलिस वाले हालांकि बहुत देर तक तमाशाई बने रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन उसके बाद से अब पुलिस वालों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। पूरे इलाके में भारी तैनाती की गई है। बावजूद इसके ठीक मुख्तार अंसारी के घर के ठीक लगभग 50 मीटर बाहर जहाँ बैरिकेडिंग की गई थी वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसके बाद से क्या हुआ है, क्यों उनको पलायन दिया गया है, उनको मारा गया है, तो हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं, आप मीडिया पर क्यों हमला कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्थिति है और इसी तरीके से लोग आक्रोशित हो गए अचानक से और उन्होंने सबसे पहला हमला किया मीडिया के ऊपर। क्या नाराजगी है, क्यों नाराजगी है, ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, पॉइजन दिया गया है। सवाल तो हम भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या, जो कल भी हमने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब से बातचीत की, जो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है, उनको पॉइजन दिया गया है, वो तमाम चीज़ें मीडिया लगातार दिखला रहा है, लेकिन उसके बावजूद अचानक जो पुलिस को ये अंदेशा था कि कुछ इसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं, अचानक से जो लोग इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद लोग कल से सब्र बनाए हुए थे, शांति बनाए हुए थे, और जो मन्नू अंसारी हैं, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, उन्होंने भी आकर के लोगों से अपील की कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखें, गुसलू का जो रवायत है वो पूरी हो गई है, लोग घर के लोग परिवार के लोग स्नान कर चुके हैं और उसके बाद से आगे की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमलावर हो गई, ये जो भीड़ है अचानक से हमलावर हो गई,
दौड़ाने लगी, मारपीट हाथापाई की नौबत। पुलिस वाले हालांकि कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए और वो तमाशबीन बने रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों को फिर जैसे तैसे समझा कर या थोड़ी ज़बरदस्ती उनके साथ पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई की नौबत यहाँ पर पैदा हो गई थी। और आपने देखा होगा किस तरीके से कई मीडियाकर्मी उसमें फंस गए थे, उनके कैमरे फंस गए थे और उनको दौड़ा करके और इस पूरी गली से यहाँ पर अब ये जो बैरिकेटिंग है, ये जो दूसरी बैरिकेटिंग है यहाँ तक। और यहाँ हालांकि पुलिस वालों ने ज़रूर यहाँ पर बीच बचाव किया है और फिर से एक बार, और यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा था वो कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो ये नौबत है, लेकिन ठीक ठीक कारण नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्यों कल से जो सब्र रखे हुए थे, इनकी एक एक बात को मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से मैंने खुद बातचीत की और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो भी आपत्ति दर्ज की या फिर जो भी सवाल खड़े किए कि जहर दिया गया है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, वो तमाम बातें, चाहे मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने जो कुछ कहा, उन तमाम बातों को हमने या पूरी मीडिया ने हर बात को सिलसिलेवार तरीके से, जो इनके आरोप हों या फिर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी जवाब आया। रुपेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे गाजीपुर से, रुपेश ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेश, हमने देखा काफी हंगामेदार स्थिति रही, समर्थकों का जो हंगामा है वो सामने आया, पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अभी 9 बज रहे हैं, क्या परिस्थिति इस वक्त है और क्या बताया जा रहा है, कब तक जनाजा निकाला जाएगा, फिर सुपुर्दे का आप कितने बजे किया जाएगा? देखिए, पहले से ही ये तय है कि पूरी रवायत पूरी करने के बाद लगभग 12 से 12:30 बजे जो यहाँ से जो शव यात्रा है, जो जनाजा है, वो यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल हम थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं इस वक्त। आप देखिए, ये दूसरी बैरिकेटिंग है, पूरे इलाके में अलग अलग लेयर पर बैरिकेटिंग की गई है। ये एक बैरिकेटिंग है, इसके बाद अंदर एक बैरिकेटिंग की गई है, जो मुख्तार अंसारी का जो पैतृक आवास है उसके घर के ठीक बाहर लगभग 50 मीटर के बाहर एक बैरिकेटिंग की गई है। उसी बैरिकेटिंग के बाहर लोग जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, उनको अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे थे, देर रात से ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग पिछले 48 घंटे से सब्र का परिचय दे रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या किसी ने भड़काया उन्हें, क्या उसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ? मीडिया वालों से लगातार कल से ही हमारी बातचीत लोगों से हो रही है, लोग अपना जो कुछ भी कह रहे हैं कि वो मसीहा थे, उन्होंने किसको क्या मदद की, वो तमाम बातें हम दिखला रहे हैं। लोगों से बातचीत उसी माहौल में हो रही है जैसे उनके घर के लोगों से भी बातचीत हुई, चाहे वो मनु अंसारी से बातचीत हो या फिर मनु अंसारी के जो पिता हैं हसीबुल्ला अंसारी, उनसे हमारी बातचीत हुई, वो तमाम बातें। लेकिन उसके बाद से आज सुबह से लगभग 8:30 बजे तक सब कुछ उसी तरह से व्यवस्थित था। मनु अंसारी बाहर आए थे, जो यहाँ के SP हैं वो भी बाहर आए थे, उन्होंने दोनों ने संबोधित किया कि आप सब्र बनाए रखें, ये मैयत का समय है और अंदर जो गुस्लू की जो रवायत है वो पूरी कर ली गई है, लोग घर परिवार के लोगों ने स्नान किया है और वो अपने कपड़े वगैरह बदल चुके हैं और उसके बाद अगर गुंजाइश अगर होती है कि लोगों को दर्शन के लिए बाहर रखा जाए और बाहर के लोगों को पूरी तरह से खोल दिया जाए। लेकिन रुपेश, जो अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने देखी, जो तस्वीरें देखी और जो संकेत हैं, जनाजा निकलेगा उस समय ये स्थिति नहीं होगी, इस पर प्रशासन ने कुछ कहा है, कुछ अतिरिक्त इंतजाम या अतिरिक्त निर्देश आए हैं क्या? देखिए, बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अब तक लोगों के का जो सब्र था वो क्यों भड़का, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि पुलिस के पास कुछ इनपुट है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं, लिहाजा जो हम कह रहे हैं कि एहतियातन जो व्यवस्था की गई है, जिसको मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ये कह रहे हैं कि वो खामखा पुलिस वाले इतने परेशान हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था बहुत बड़ी की गई है, लेकिन जिस तरीके से एक बार हमला हो चुका है, ठीक है, पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ठीक है रुपेश, आप पुलिस वालों कंटिन्यू करिएगा, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, जैसा कि रुपेश बता भी रहे थे कि मुख्तार के घर के बाहर समर्थकों ने हंगामा किया, लेकिन कुछ देर पहले ही मोहम्मदाबाद के विधायक सोहेब ने लोगों से वापस लौटने की अपील की। देखिए, यहाँ पे मौजूद बोल रहे हैं, ये विधायक बोल रहे हैं, ठीक करवा दें। जो भी यहाँ मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी जस्ट गुसल खत्म हुआ है, हम लोग गुसल दे के नहा के कपड़ा बदले हैं, घर की जो हमारी फैमिली की जो
औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो लोग अभी हैं, उन लोगों को थोड़ा आधा घंटा हम लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों को कुछ वक्त दे दिया जाए, आखिरी बार है, तो जैसे ही हो जाएगा। और भीड़ फाटक में ऑलरेडी भरी हुई है, रात भर लोग रहे हैं, फाटक फुल है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब जगह ही नहीं आने जाने की है तो फिर आगे और लोगों को कैसे ले जा सकें। तो हम लोग की कोशिश है कि हम लोग जैसे ही फाटक की भीड़ हो जाएगी, आप लोगों को खुद बुलाया जाएगा, अगर कहा जाएगा, अगर जंगुंजाइश होगी तो सब्र करिएगा, आप लोगों को हिम्मत से काम लेना है, दुआ कोई भी किसी को दे सकता है। अभी पहले जो फाटक के लोग हैं, हमें कोशिश करना है कि उन लोगों को कैसे जो अंदर हैं उनको दिखा दिया जाए, और फिर आगे का आप लोगों को हम आगे खुद बताएंगे। आप लोग यहाँ सब से रहिएगा, कोई शोर शराबा मत करिएगा, क्योंकि आज मैयत का दिन है, सबको बहुत सब्र से काम लेना है। और मुख्तार अंसारी के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। देर रात गाजीपुर लाया गया मुख्तार का शव, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है इस इलाके में, ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है। कुछ देर में जनाजा निकाला जाएगा, लेकिन बहुत एहतियात बरता जा रहा है। आज मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। आधी रात के बाद जो मोहम्मदाबाद स्थित जो पैतृक आवास है वहां पर पहुंच गया है, परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो मोहम्मदाबाद में जो पैतृक आवास है सामने, ठीक उसके 50 मीटर के सामने एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि कल मीडिया वालों को भी वहां तक जाने की इजाज़त थी। वो जो कैंपस है जहां पर जनाजे की नमाज़ अदा की जाएगी, अभी गुस्लू कफनाया वहां पे ये प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो लोग जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग तो अंदर मौजूद हैं, जो आसपास के लोग जो जनाजे की नमाज़ में शामिल होने के लिए या उनके अंतिम दर्शन के लिए, हालांकि देर रात भी काफ़ी भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई थी जो अंतिम दर्शन करना चाहती थी, और इस वक्त भी अहले सुबह से ही यहां लोग देखिए कंधे पर सवार होकर, एक बच्चा भी यहां पर मौजूद है जो अपने पिता के साथ है, लेकर आए हैं क्या जी? तो हुआ देख पाया? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो कंधे पे बिठाए हैं कि अंतिम दर्शन हो जाए? हाँ, बच्चे को जो है वो इच्छा है कि वो देख ले। कहाँ से आए हैं आप? यही मोहम्मदाबाद से। तो अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है? अभी नहीं है। फिलहाल जो लोग हैं इनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ रोक दिया गया है। मीडिया के कैमरे भी यहाँ लगे हैं, अगर हम आपको दिखाएं कि देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, वो सब चाहते हैं कि हम शामिल हो जाएं, और लगातार जो है लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि बहुत भीड़ हो गई है, आप यहाँ से हटें। देखिए यहाँ से माइकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। अंदर आप देखिए किस तरीके से अंदर फोर्स की तैनाती, यहाँ से 50 मीटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया था पहले कि आम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये अंदर जाने की इजाज़त नहीं है लोगों को? नहीं। हालांकि कुछ पुलिस अधिकारियों ने ये बताया था कि कब्रिस्तान के अंदर तो लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन घर तक जाने की इजाज़त होगी। और देखिए कैसे ये पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पे की गई है, और लोगों को यहाँ से जो बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। एक बार फिर चलेंगे रुपेश के पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। रुपेश, जिस तरह से हम देख रहे थे विधायक सोहेब भी कह रहे थे कि पहले फाटक के जो लोग हैं वो सारी रस्म अदायगी कर ले, फिर गुंजाइश होगी तो लोगों को इतला किया जाएगा कि वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, कोई कहीं से भी दुआएं दे सकता है। एक चीज बताइए, अभी जो स्थिति हुई और विधायक ने भी अपील की, बड़ी संख्या में लोग फाटक में जाना भी चाहते हैं, तो जो फाटक है वहां से कब्रिस्तान की दूरी क्या है, और क्या मान के चला जाए कि 12 बजे इस पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती और ज्यादा बढ़ जाएगी फाटक से लेकर कब्रिस्तान तक? देखिए बढ़ाना होगा, क्योंकि आसपास के इलाकों से जो पुलिस की तैनाती जो की गई है पूरे इलाके में, हर चौराहे पे बैरिकेडिंग की गई है, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग सुबह 5 बजे से ही की जा रही थी, लेकिन अब रणनीति बदलनी पड़ेगी और रणनीति बदल रही है। जो एक पुलिस अधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड अभी मेरी बातचीत हुई है, पहले जनाजा ये रास्ता जो हम दिखला रहे हैं, जिसपे थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई थी, इस सड़क से जनाजे को नहीं लाया जाए, बल्कि घर से निकलते ही दाहिनी तरफ एक सड़क है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, मोटे मोटे रस्से ले जाए गए हैं अभी से, क्योंकि पुलिस को अब अंदेशा हुआ है कि कुछ
इस भीड़ की शक्ल में कुछ ऐसे तत्व जरूर हैं जो कभी मीडिया पे हमला कर रहे हैं, कभी पुलिस वालों के साथ हाथापाई की नौबत आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस सड़क से, जिस सड़क पे अभी हम मौजूद हैं, पूरी गली ये सामने दिख रही है और लगभग ये 200 मीटर है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये जो यहाँ से निकल करके और दाहिने हम आपको ये दिखला रहे हैं जहाँ से लोग आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी होगी जो कब्रिस्तान है। यानी कि जो पैतृक आवास है मुख्तार अंसारी का, वहाँ से अगर कब्रिस्तान की दूरी कहें तो 300 से 400 मीटर से ज़्यादा ये दूरी नहीं है। लेकिन उसके लिए ये पूरी जो गली है, जो सामने जहाँ पर अभी भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी या यूं कहें कि हमले की स्थिति पैदा हुई थी, इस पूरी गली को पार करके पहले जाना था, लेकिन रूट अब डाइवर्ट किया गया है। रूट घर से निकलते ये गली पार करे बगैर, यानी कि इस भीड़ को इसी गली में रोक दिया जाए और घर से निकलने के बाद तुरंत ही एक दाहिने एक सड़क है, पतली सकरी सी सड़क है, लेकिन वो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाती है। तो पुलिस की अब रणनीति ये बन रही है कि अगर बैरिकेटिंग कर दी जाए घर से निकलने जो दाहिने वाली सड़क है, तो ये जो भीड़ है जो इस गली में मौजूद है, आपको रोकना चाहेंगे और जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ। बोलिए रूपेश, बोलिए जी। रूपेश बताइए, रूट डाइवर्ट किया गया, नीति ये बदल रही है कि ये जो भीड़ इस, हाँ, रूट डाइवर्ट किया गया है। पहले ये जो गली दिख रही है, इस गली से ये जो चौली सड़क है, इससे होकर के जनाजे को जाना था कब्रिस्तान की तरफ, लेकिन अब रूट डाइवर्ट किया गया है। अभी मेरे सामने जी ठीक है, सारी चीजें नियंत्रण नहीं, हमको अंदर जा, तो इनका भी देखिए, ये एहतियात जरूरी है, इनको भी लग रहा है ये एहतियात जरूरी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो यहाँ स्थिति पैदा हो गई थी, हम थोड़ा सा अंदर प्रवेश करने की कोशिश किए तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग यहीं रहिए। यानी कि ये जो दूसरी बैरिकेटिंग है, लगभग ये 200 मीटर की दूर और ठीक घर के सामने, जहाँ से घर बिल्कुल दिख रहा था, कल से हम वहाँ मौजूद थे। लेकिन अब जो मैं आपको, पता नहीं कैमरे से स्पष्ट हो पा रहा है या नहीं, लेकिन इस गली में जो भीड़ है वो इसी गली में है, लेकिन इस गली जहां समाप्त होती है मुख्तार अंसारी के पैतृक घर के पास ही, उस घर से निकलते ही एक दाहिने की तरफ एक सड़क जा रही है जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ, वो पतली सकरी सी सड़क है, लेकिन उसी सड़क से, पतली सकरी सड़क से ही अब जनाजे को ले जाने की रणनीति, और शायद ये परिवार वालों को भी बता दिया गया है कि रूट डाइवर्ट किया गया है अब इस सड़क से होते हुए, और यहाँ से दाहिने होकर कब्रिस्तान पे नहीं, बल्कि हम वहीं से सीधे, और वो रणनीति इसलिए क्योंकि ये जो भीड़ इस गली में मौजूद है, पूरी गली भर गई है और अभी भी लोगों के जाने का यहाँ पे सिलसिला शुरू है, ये भीड़ यहीं पे रह जाए और जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुँच जाया जाए। कब्रिस्तान में इससे ज़्यादा बड़ी सुरक्षा कब्रिस्तान के पास की गई है, ना सिर्फ कब्रिस्तान के बाहर बल्कि कब्रिस्तान के अंदर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। देखिए किस तरीके से भीड़ से निपटने की तैयारी, और नए कुछ असलहे मंगा लिए गए हैं यहाँ पर, नए फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर शुरू हो गया है। हर गली से कुछ फोर्स जो दूसरी सड़कों पे थे उनको अंदर बुलाया जा रहा है, लेकिन अहम रणनीति है कि ये भीड़ जो थोड़ी देर पहले हमलावर हो गई थी, उस भीड़ को इसी गली में रोक दिया जाए और जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंच जाए। पहले से ही यह रणनीति है कि कब्रिस्तान को अंदर, कब्रिस्तान की घेरेबंदी है और पुलिस ने पूरी तरह से अपने घेरे में वैसे भी ले रखा है, अंदर से बाहर तक तैनाती की गई है, तो अंदर कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ 40 से 50 लोग जो परिवार के लोग हैं, पूरे फाटक के लोगों को भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो कुछ मौलवी मुफ्ती जो होते हैं वही साथ जाएंगे, जो वहाँ पर फातिहा पढ़ें या फिर दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जिनकी ज़रूरत हो, और फिर सिर्फ परिवार के लोग ही, जो पुलिस ने जो लिस्ट बनाई है उसके अनुसार 40 से 50 लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त होगी। लेकिन पहले कहा गया था कि जनाजे के साथ ये जो भीड़ है वो कब्रिस्तान के बाहर तक, बाहर की जो सड़क है वहाँ तक जा सकती है, लेकिन अब यहाँ एक बैरिकेटिंग और वो घर जो है उस घर के ठीक सामने एक बैरिकेटिंग, लेकिन उस बैरिकेटिंग को पार किए बगैर जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने की एक पतली सड़क है, पुलिस वालों ने ऑफ द रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि जो मोटे मोटे रस्ते जा रहे थे, हमने पूछा कि ये रस्ते अब वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो रूट डाइवर्ट किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूपेश, नजर बना के रखिए, रूट डाइवर्ट किया गया है क्योंकि हर माहौल को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। पुलिस लगातार एक्शन में इस वक्त गाजीपुर में दिखाई दे रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। इस बीच बता दें कि कब्रिस्तान के अंदर पुलिस की मौजूदगी पर कब्रिस्तान के जो प्रबंधक है उन्होंने आपत्ति जताई है। कब्रिस्तान के प्रबंधक से संवाददाता रूपेश कुमार ने बात की है। अफरोज अंसारी का क्या कुछ कहना है जो कि कब्रिस्तान के प्रबंधक हैं, आपको सुनवाते हैं। अंदर तक तैनाती के अंदर, हालांकि कुछ कम ही लोगों को जाने की अंदर इजाज़त होगी, लेकिन उसके लिए भी अंदर जो है वो यहां पर तैनाती कर दी गई है
और राइट कंट्रोल के जो एहतियातन जो बंदोबस्त होते हैं वो भी यहाँ पर किया गया है, और टीयर गैस छोड़ने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी एक पुलिसकर्मी वहाँ दिख रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो लोग हैं इनसे ये आप क्या ऑब्जेक्शन कर रहे थे, अंदर नहीं जाना है पुलिस जी को? फोर्स बाहर रहती है सर। अच्छा जी, हम हमेशा भी फोर्स के अंदर नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान में अंदर इजाजत नहीं होती? नहीं, कब्रिस्तान के जब भी फोर्स अंदर जा रही थी तो आप मना? हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसमें पब्लिक रहे, वो अवगत करें, हमें कभी भी फोर्स कह रहे हैं कि अंदर फोर्स नहीं जाती है। ठीक है, नहीं ये फॉलो करेंगे। नहीं तो फोर्स आपके अंदर है वहाँ। देखिए ये जो आप कौन हैं? यहाँ के हम मुजावर हैं सर, देख रेख करते हैं हमारी पूरी। अफरोज अंसारी हैं, ये मुजावर हैं, ये यहाँ के मुजावर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर फोर्स की तैनाती नहीं होनी चाहिए हथियार के साथ। ये उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि अंदर जाने की इजाज़त फोर्स को नहीं होती है।